मशरख पीएचसी में गुरुवार को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराई गई। इलाज के दौरान घायलों की पहचान तरैया थाना क्षेत्र के चैनपुर का निवासी रामचंद्र महतो का 20 वर्षीय पुत्र सुभाष महतो, नगरा ओपी थाना क्षेत्र के खैरनपुर गांव निवासी भुवनेश्वर प्रसाद की 50 वर्षीय पत्नी रुक्मीना, 15 वर्षीय पुत्री ज्योति कुमारी के रूप में हुई। मामला है कि मशरख शीतलपुर एसएच 73 से घायल मोटरसाइकिल सवार होकर नगरा जा रहे थे। गलीमापुर गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार फरार हो गए। घायलों को गलीमापुर गांव के युवाओं ने इलाज के लिए ऑटो में लादकर निकटतम पीएचसी मशरख में भर्ती कराया। पीएचसी में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर एस के विद्यार्थी ने प्राथमिक उपचार के बाद सुभाष महतो, रुक्मीना देवी की गंभीर स्थिति देख बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मशरख थाना पुलिस ने मामले का जायजा लिया। वहीं पानापुर निवासी पति पत्नी शिव मंदिर के पास मोटरसाइकिल को पिकअप की टक्कर से घायल हो गया, जिसे पीएचसी में इलाज चल रहा है। चंदेश्वर राय और पत्नी नागेश्वरी देवी घायल हो गयी। मशरख से आरपी भारत के लिए हरिकिशोर सिंह की रिपोर्ट। ज्योति, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है? सीधे गाड़ी नहीं है सर, मुड़ी ऊपर कीजिए। हाँ, सीधे गाड़ी नहीं सुन रही थी, तो फिर गाड़ी यार अभी क्या था टन अब हेने रहने तो हेने गिरनी होता है। क्या चीज़ लगा ले? कोई ना कोई नहीं है। अपने से मतलब ठीक है, लेकिन क्या कलर मले क्या कलर लगा था? घर कहाँ पर हुआ? लोग घायल भाई, उनका नाम क्या था? घायल बच्चे का नाम क्या रहा? तो साथ में क्या हुआ? कन्हैया कुमार। ओ, ये मतलब एक्सीडेंट हुआ है, वो कैसे हुआ है? ये लोग अभी अभी घर से निकले हैं और 10 मिनट के बाद पता चला है कि एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? मशरख के बगल में गलो लाइन होटल के पास। आप लोग घर कहाँ पड़ता है? चैनपुर। कितना आदमी घायल है इसमें? तीन घायल। घर कहाँ पर ही रहो? एजेंट मतलब कि कैसे भाई लगी? कोई आदमी को मर ले? कोई आदमी घायल? आदमी पति पत्नी माना जाता है। कोई कोई पहुंचा लाना अपने कोई कोई ले का लड़का लिया है।